से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। निर्मम तरीके से हत्या कर शव को गांव के बधार में फेंका, पुलिस जुटी जांच में। नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक इंटर के छात्र की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को गांव के बधार में फेंक दिया गया। मृतक युवक के शरीर पर जला हुआ का निशान है और आँख भी फूटा हुआ है। ये भोला बिगहा गाँव की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक युवक दीपक कुमार के पिता विजय चौहान ने बताया कि गुरुवार की दोपहर मेरा पुत्र दीपक पशु लेकर आधार की ओर गया था। शाम तक पशु घर वापस लौट आया, लेकिन दीपक नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन काफी खोजबीन करने लगे, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका। सुबह जब ग्रामीण बधार की ओर श्रौच के लिए गए, तब देखा कि खेत में दीपक का शव पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर जला हुआ का निशान है और आँख भी फूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन किस कारणों से मेरे पुत्र को इतनी बेरहमी तरीके से हत्या की गई है, यह अभी पता नहीं है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कैसे घटना हुआ? वो ने गया था जानवर बांधने, बाद में शीतला पीकर था वहीं पर बांध कर है, और फिर घर लौट नहीं आया। अब कहाँ गया नहीं गया वो तो पता नहीं था। फिर सुबह में बाद गांव ग्राम वाला हल्ला किए कि एक लड़का वहाँ मार के फेंका हुआ है। गए देखने के लिए वहाँ पर, देखते हैं मेरा लड़का है, देखते हैं कि पूरा उसको एकदम रड से जला जला के एकदम मारा हुआ है, एकदम पूरा दाग दाग के एकदम, तो वही रस्सी से भी पूरा हाथ गोड़ एकदम जकड़ जकड़ के बांध बांध के मारा है, आँख होर होर के फोर दिया है। क्या नाम था लड़का का? दीपक कुमार। आपका क्या नाम है? विजय चौहान। किसी से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था।